सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि माता रानी का मंदिर का दरबार खुल गया है, आप लोग अपना अपना अर्जी लगा लें और जो भी दिक्कत समस्याएं हैं आप लोग माता रानी से साझा करें। आपकी अर्जी स्वीकार माता रानी करेंगी और आपकी सभी दुखों का निवारण होगा, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी आपको। जय माता जी कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत सौभाग्य वालों को ही एक साथ में नौ माता जी का दर्शन होता है, तो आप लोग बड़े किस्मतदार बड़े भाग्यदार हैं जो कि एक साथ में नौ माता जी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग माता रानी से अपना अर्जी विनती लगा लें, आपका जरूर कल्याण होगा। जय माता जी कमेंट में ज़रूर लिखें आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत समस्या है आपको, कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट का जवाब दिया जाएगा और उसका उपाय बताया जाएगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसका निवारण कैसे किया जाए, आपको कमेंट में इसका जवाब दिया जाएगा। तो सभी भक्त से मेरा निवेदन है कि आप लोग अर्जी लगा लें और माता रानी का दर्शन कर लें। बहुत ढेर सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मंदिर या कहीं नहीं जा पाते होंगे, तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जहाँ पे हैं वहीं से माता रानी का दर्शन कर लें और अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाएं माता रानी का दर्शन करके। और माता रानी का कृपा सभी भक्तों पर ज़रूर होगा, ऐसा मैं नहीं, ये माता रानी का कहना है कि जितने भी भक्तगण हमारा वीडियो इसको देख रहे हैं उनकी सभी कष्टों का सभी दुखों का निवारण करेंगी माता रानी। ये माता रानी ऐसे कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, माता रानी ऐसे ही अरदास में देती हैं कि जितने भी भक्तगण हमारे इस वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं उनकी सभी मनोकामना मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा और इच्छाएं पूर्ण करूँगा और उनका पूरा परिवार सुखी संपन्न रहेगा। माता रानी का ये आशय है कि सभी जनता सभी लोग सभी व्यक्ति सुखी संपन्न रहें। माता रानी जगत जननी होती हैं, ये माता रानी कभी नहीं सोचेंगी कि हमारा बालक हमारा बच्चा दुखी हो, क्योंकि हर माँ यही सोचती हैं कि हमारा बच्चा सुखी संपन्न रहे, हमारा फुलवारी सदा सदा के लिए हरा भरा रहे, सुखी संपन्न से भरा रहे, ये माता रानी कहती हैं। और सभी भक्त से निवेदन है कि आप लोग अर्जी लगा लें माता रानी से, आपका जरूर कल्याण होगा और माता रानी सभी का भलाई ही करती हैं। दुनिया में एक यही माँ है जो सभी पर दया करती हैं।